4 hours later. चलो जी, जय माता दी। वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। निकलते निकलते लेट हो गया भाई यार, क्यों नहीं लग रहा है भाई? पहले तो निकल जाए यहाँ से, उसके बाद ही करते सारी चीज़ें। पहले करता हूँ टाइम सेट। ट्रिप मीटर कर रहा हूँ मैं 0, ट्रिप ए एंड ट्रिप बी। बी मैं डेली करूँगा और ए ओवरऑल। बाकी जो भी सेटिंग होगी ना अभी आगे करेंगे। तो फाइनली गाइस, ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है। वेलकम बैक टू द चैनल अगेन गाइस, आप सभी का स्वागत है। आई होप यू आर ऑल गुड। और मैं भी निकल चुका हूँ अभी ट्रिप के लिए। मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या क्या कैसे रिशेड्यूल किया हमने प्रोग्राम। हम बोल रहे तो मतलब एक राइडर और है, एक फ्रेंड, वो तैयार तो हुआ है काफ़ी वेट करने के बाद। तो फ़िलहाल सुबह के 8:30 होने वाले हैं और मैं निकलते निकलते थोड़ा लेट हो चुका हूँ। एक्चुअली मैंने प्लान तो किया था कि मैं ना अंधेरे अंधेरे में निकल जाऊँगा, बट प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो सका। रात को भाई बहुत लेट सोया मैं। रात को क्या, सुबह सोया मैं कोई 4:30 बजे। मौसम बहुत ही अच्छा है। ग्लव्स वगैरह ना मैंने ऐसे ही फंसाया कहीं गिर ना जाए नीचे, ये गिर सकता है ना भाई। एक्साइटमेंट ना भी हल्का सा है, मतलब धीरे धीरे जैसे आगे जाएंगे ना भाई, मैं बता रहा हूँ मज़ा ही आ जाएगा। देखो पानी, वाटर क्रॉसिंग है। लो जी, इच्छा पूरी हुई, आज का पहला वाटरफॉल मिल चुका है हमें। ये देखो जुनगा के पास यहाँ पे क्रेशर है, तो यहाँ पे एक वाटरफॉल है। चलो शुरुआत हो चुकी है। मैनी मोस्ट टू कम नाउ। इसी चीज़ की बात हो रही थी भाई, देखो यहाँ पे फंस गया है। हवा इधर बंद, चल लो भाई। शुक्र है बाइक वाले थोड़ी सी जगह से भी निकल जाते हैं। क्या अव्यवस्था फैली हुई है यार, कोई नीचे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई इधर से कोई उधर से। तो अभी 2 घंटे में ना मैं ओनली 51 किलोमीटर आया हूँ, 50 किलोमीटर। तो मेरी एवरेज स्पीड आ रही है 25 किलोमीटर पर आवर। अब इस हिसाब से तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। अब यहां से ना मैं स्पीड काफ़ी कवर अप कर सकता हूं, जो भी मैं अपने शेड्यूल से पीछे चल रहा हूं। तो अभी गुवाहाटी में हूं मैं। तो हमीरपुर 130 किलोमीटर और बिलासपुर है 74 किलोमीटर। अंकल जी रुक जाएं ज़रा, थोड़ा सा हमें जाने दें। अब यहाँ पे आगे ना कहीं पे इसी रोड पे ढाबा आता है थोड़ा आगे, तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लूँगा मैं। चार्ज ड्रॉप हो जाएंगे, उसके बाद से और कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी। और जो मेरा फ्रेंड है वो कालका से आ रहा है, तो वो मुझे मिल जाएगा कहीं बिलासपुर या सुंदर मंडी कहीं भी आगे। अभी बात हुई थी, वो बद्दी पहुँचा था, तो इसके बाद अपडेट लेंगे हम ज़रा कहाँ पहुँचे हैं। ये वाला रोड अच्छा है यार, अच्छा है, अच्छी स्पीड मेंटेन हो पा रही है। यस, परौंठे बन जाएंगे, 2 परौंठे बना दो, ड्राई बनाना। हाँ जी, बहुत टाइम लगा दिया मैंने यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने। एक्चुअली ब्रेकफास्ट तो हो गया था, लेकिन मैं थोड़ी सेटिंग कर रहा था। ब्रेकफास्ट करने के बाद अच्छा खासा रेस्ट किया मैंने, अब फिर से फ्रेश हो चुका हूँ मैं।
उस्ताद से बाहर ही निकला हुआ है भाई। यहाँ की एक खासियत है, ट्रक वालों का बड़ा खौफ है यहाँ पे भाई। ट्रक वाले ओवरटेक कर रहे हैं कारों को यहाँ पे भाई, अलग ही सीन है यहाँ। पूछता हूँ यहाँ पे, आंटी जी मनाली के लिए कौन सा रोड होगा? यही है ना? अच्छा, थैंक यू जी। आंटी को ऊंचा सुनता भाई। अरे पीले पीले पेड़ ना बीच बीच में कितने प्यारे लग रहे हैं यार, बहुत ही प्यारे। आज कोशिश करते हैं मनाली मनाली के आसपास तक पहुंचने का, हालांकि हम अपने शेड्यूल टाइम से थोड़ा पीछे चल रहे हैं। अबे ये क्या बन रहा है इतना ऊंचा? तो ये है बरमाना शहर। फोन नहीं उठा रहा भाई अभी, बंदा बिजी है शायद। क्या प्यारा रोड है यार, ऐसा मुझे ऐसा इस टाइप का रोड बड़ा प्यारा लगता है। ओहो पहाड़ और नदियाँ, यही तो जिंदगी है भाई, नदी पहाड़। मंडी 45 लेफ्ट, कुल्लू 115 लेफ्ट, मनाली 155 लेफ्ट, सब कुछ लेफ्ट है। फिर बोर्ड लगाया है कि मुझे राइट को, अच्छा राइट को भी है रोड यहाँ पे। ये सामने कोल्ड एम हाइड्रो प्रोजेक्ट, कुल्लू के लिए ले राइट, सुंदरनगर के लिए राइट। जी हाँ चले भाई कंडक्टर। अब इस रो मिल गया भाई, बंदा मिल गया। हेलो हेलो, हाँ यार ठीक है, बढ़िया बताओ। वही मज़ा आ गया, उफ क्या लद रखा है यार। ओ भाई गुड यार, क्या बात है भाई, जबरदस्त जबरदस्त यार, क्या लद्दी हुई, क्या लोड लग रही है। ठीक चल रही बाइक? हाँ ठीक चल रही है, डिसबैलेंस तो नहीं है? चलो कैसा लद रखा है इसने भाई। मैंने सिर्फ एक बैग, इसने तीन बैग चार बैग। ये है सेटअप अगर लेके जाना हो ना लॉन्ग टूर पे। बढ़िया भाई बढ़िया। तो सुंदरनगर ओनली 4 किलोमीटर, मंडी 27 और मनाली 135 किलोमीटर। यहाँ पे कुछ लगता है फ्लाईओवर में लोचा हो गया है इसलिए बंद कर दिया है। जियो खियर का मैंने एड्रेस डाला है इसमें भी, लोकेशन 2 किलोमीटर दूर कहीं जियो खियर है। सिम लेनी पड़ेगी यार, वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी आगे। भाई जियो वालों का ये है इधर सर्विस सेंटर, बड़ी मुश्किल से ढूंढा मैंने। एक बार तो आगे चला गया फिर पीछे चला गया, ये दिख ही नहीं रहा यार। गर्मी बहुत है यहाँ पे सुंदरनगर में। भाई कोई तो रास्ता दे दो भाई। तो आज की पहली टनल थी ये। अरे और टनल, और ऐसा नहीं है कि ये टनल कहीं पहाड़ी पे और ऐसी जगह पे हो। देखो यहाँ पे कैसा रिहाइश है, मतलब टनल नंबर 7। ओके तो सेकंड टनल आज की समाप्त। और है कुछ टनल का सीन? नहीं फिलहाल नहीं है। अब आएगी ओट टनल आई थिंक। यहाँ पे क्या लैंडस्लाइड हुआ है, कितना बड़ा पत्थर है यार ऊपर। ये खराब है थोड़ा सा पैच यहाँ पे। वाह पानी कैसा जा रहा ना, बिल्कुल सफ़ेद होके। तो ये रहा पंडो डैम, काफ़ी बड़ी है बट यहाँ पे ना गाड़ी खड़ी नहीं करने देते। एक बार मैं ना वहाँ पे बाइक लगा के आ रहा था, इधर पीछे से सिक्योरिटी गार्ड आया कि निकलो निकलो यहाँ से, यहाँ नहीं रुकना। हाँ यहाँ पे रहता है एक सिक्योरिटी मैन। अरे अब तो गन वाला है भाई यहाँ पे।
इसमें कैसी आवाज आती ना, ये ना जो ये वाले मॉडल थे ना पहले, इसमें ऐसी आती थी आवाज। अच्छा, पारो कितने ऊंचे पहाड़ है ना ये, और यहाँ ना नैरो है वैली यहाँ पे, इस जगह पे ग्रीनरी तो काफी है। ओ हो हो, टनल देखो भाई ऊपर से, क्या बात है भाई, सुपर सुपर, क्या काम चल रहा है यार। ये 5.5 किलोमीटर, इतनी लंबी है। तो अभी हम ना पूरा फ्लाई ओवर के साथ यहाँ पे चले हुए, फ्लाई ओवर के ऊपर चल रहे हैं अभी हम, और जो मेन पुराना रास्ता था ना वो इसके नीचे से है। अब यहाँ पे टनल ही टनल है। बहुत बढ़िया शेर। तो फ्रेंड्स 6 बजने वाले हैं और अभी हम 40-50 किलोमीटर दूर है मनाली से। आज लगता है कि मनाली में डेरा डालना पड़ेगा कहीं, क्योंकि हमारा प्लान था सिसु पहुंचने का, वो लगता नहीं है कि ऐसा हो पाएगा। अंधेरा होने लग गया है, सूरज डूब चुका है, अब जल्दी दिन ढल रहे हैं इसलिए दिक्कतें होगी। स्टैंड बहुत डाउन है इसका, मैं पूछ के आता हूँ जरा, है ना सीटू है। अच्छा अच्छा है आ रही राइडिंग वाली फील। हाँ, मजा आ रहा था पीछे, बाइक थोड़ी और भागने वाली होनी चाहिए। A few moments later, मनाली 14 किलोमीटर स्टिल यहाँ से, ठंड भी लग रही है भाई। आई थिंक 7-7.5 हो गए शायद। तो अभी मनाली पहुँचे हैं, मनाली में सच को कुछ सामान लेना है तो थोड़ा बहुत सामान लेते हैं और फिर देखते हैं हम कहाँ पे टेंट कहाँ लगाएंगे यार रात को। तो सचिन अभी गया था यहाँ पे मनाली मार्केट में ना, थोड़ा सा टेंट उंट का सामान लेना है, आई थिंक कैंपिंग का सामान लेने, लेकिन यहाँ पे बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा भाई। अब निकल रहे हैं आगे, 799.68 रुपीज़, मतलब 8.33 लीटर तेल है आज, तो फुल करा दिया है 800 रुपये में। ओह लो जी पहुँच गए अटल टनल। रात को पता नहीं ऐसी क्या जरूरत पड़ गई हमारे को कि रात को ट्रैवल करना पड़ रहा है। ठंड लग रही है, मेरा तो अंदर दबा यार, मेरे को तो खोलना पड़ेगा सारा ये। तो रात को 10:30 बजे अटल टनल पहुंच रहे, क्या बेवकूफी यार अपनी। फोन कहाँ भाई, फोन तो जेब में ही है, कुछ छूट तो नहीं गया, डाउट रहता लगा भाई एक ही कुछ छूट गया होगा। 40 किलोमीटर की पॉल्यूशन, रुकना मना है इधर, कवर गिर रहा। पर ये देखो भाई, लेफ्ट ले लद्दाख के लिए और राइट जाएगा काजार रोहतांग पास के लिए। चल मेरे संग संग ले ले दुनिया के रंग, हजर की लारे।